तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं द पाल वर्ल्ड। अब भाई आज हम अटैक करने वाले हैं एक और बॉस फैसिलिटी पे, बॉस पोकेमोन फैसिलिटी जो कि हमारी अवेलेबल है इस लोकेशन पे। ये चारों तरफ पत्थर से घिरा हुआ है और भाई बीच में है इसका एंशियंट रिचुअल साइट। अगर आप इस साइट पे आएंगे तो आपको ये लोकेशन शो करेगी। एंशियंट रिचुअल साइट पे आपको बीच में जो राउंड सर्कल दिख रहा है, इसमें बीच में रोशनी निकल रही है, ये भाई एक बॉस पोकेमोन का लाइक रूम टाइप होता है, इसके अंदर वो रहता है। और आपको इस डंजन के अंदर जाके, इसको सील्ड रियलम बोलते हैं, तो इसके अंदर जाके उस पोकेमोन को हराना होता है। तो अगर मैं ये हक करने में कामयाब रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कर देना लाइक। और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार वीडियो आप लोगों को अच्छी लग भी रही है नहीं लग रही है। तो भाई ये पोकेमोन है पेटालिया। पेटालिया क्या है, लाइक ग्रास टाइप पोकेमोन है। बहुत सारी ग्रास लाइक पेड़ पत्ते पेड़ पौधियाँ बनी हुई हैं, पर थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में क्योंकि ये पेटालिया है, इसके पेटल्स हैं बहुत सारे। भाई मैंने छोड़ा है आपका वाटर टाइप पोकेमोन। वाटर टाइप नहीं, ये थोड़ा सा आइस टाइप पोकेमोन है। देख नहीं यार, लेकिन ग्रास टाइप के सामने उतना पावरफुल नहीं है। मैंने जहाँ तक अभी तक नोटिस किया भाई, ग्रास टाइप के सामने हमारा फायर टाइप बहुत अच्छा वर्क करता है, बिकॉज घास में आग लगा देता है एक तरीके से वो, तो इट्स वेरी गुड अगेंस्ट ग्रास टाइप पोकेमोन। और भाई ये कर रहा है अटैक मुझ पे भी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो बॉस पोकेमोन होते हैं इनको पता चल गया था कि इन पे अटैक करने के लिए आया कौन हुआ है, इन पे कौन अटैक कर रहा है वो तो है ही, पर इन पे अटैक करने के लिए आया कौन हुआ है, कौन लेकर आया वो भी इनको पता चल जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो भाई फ़िलहाल पेटालिया कर रहा है अच्छा खासा वार, और भाई उसकी पावर बहुत कम हो रही है, मतलब बहुत कम खर्च हो रही है, और मेरे वाले पोकेमोन पे ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि मुझे पोकेमोन चेंज करने की ज़रूरत है। भाई ये मेरी तरफ ही क्यों आ रहा है यार बार बार। भाई इसके एक दो वार से ही मैं ख़त्म हो जाऊँगा सीधा। भाई बबल्स आ गए, बबल्स आ गए, बचो 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 बचो, बच गए। ये भी मेरे ऊपर ही था वार। भाई साहब ये इसने मेन पोकेमोन छोड़ दिया मेरा वाला, और ये दूसरे मेरे पे अटैक करना चालू कर दिया इसने। अभी मैंने ज़ेनोवेंडर को छोड़ा हुआ है। ज़ेनोवेंडर जो है भाई वो थोड़ा सा तगड़ा पोकेमोन है और अटैक करता है बहुत सही। ये हाथ से भी अटैक करता है, पॉइजन भी फेंकता है और बहुत कुछ। भाई इसने फिर से बबल छोड़ दिया मेरे ऊपर। भाई ओए होए, शील्ड पूरी तरह से टूट चुकी है। भागो यार भागो यहाँ से। भाई इसकी पावर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। ज़ेनोवेंडर बहुत तगड़े अटैक कर रहा है। आई थिंक हम लोग इसको हरा देंगे बहुत आसानी से। ये पॉइजन अटैक था और भाई ये सारे अटैक बहुत इजीली ले रहा है। ज़ेनोवेंडर बहुत बढ़िया पोकेमोन है यार, पर पेटेले भी कोई बहुत डट के सामना कर रहा है। ओए होए क्या अटैक था ये भाई, मुझे बहुत शर्म सी आ रही है। मेरे को सारे के सारे अटैक छुप के देखने पड़ रहे हैं, बिकॉज ओए होए होए जैसे बाहर आया भाई मेरी पावर ऑलमोस्ट 90% कम हो गई है। और भाई ये था बॉस फर्स्ट किल, पेटालिया का फर्स्ट किल है। तो इसमें हमें मिले हैं कुछ एंशियंट टेक्नोलॉजी पॉइंट मिला मुझे एक, और इसके पास कुछ और आइटम्स भी होंगे वो भी उठा लेते हैं फटाफट। एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट भी मिला है मुझे दो। भाई अब हम चलते हैं डंजन से बाहर। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हमने बहुत मुशक्कत से ये पोकेमोन पकड़ा है, पोकेमोन मारा है, सॉरी पकड़ा तो नहीं है क्योंकि बॉल्स बची नहीं है। बाहर आ गए हैं मालूम। और भाई सामने की तरफ दिखा है रॉबिन क्विल। भाई रॉबिन क्विल ऐसा पोकेमोन है, इसको जैसे ही पता चलेगा ना आप हो आसपास, ये सीधा आपको मारने के लिए आ जाएगा। उससे पहले मैं इसको निपटाऊंगा आज, आज मैं लूंगा इससे बदला। और भाई इसकी डेथ होते हम कर देंगे वीडियो को एंड। आप अपने घर वालों को रखो ध्यान, और आप सबको राम राम। रॉबिन क्विल ख़त्म भाई एक ही अटैक में। बाय बाय।